करें सर स्टार्ट फिर आज। ओके रोलिंग एंड रोल सम एक्शन। रोल साउंड एक्शन। हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना चरणजीत सिंह चहल आज आपके सामने एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ इंजरीज के ऊपर। और ये बहुत जरूरी वीडियो है बिकॉज जितने भी लोग जिम आते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स स्पेसिफिक है उनको इंजरीज होती है, बिकॉज इंजरीज अ पार्ट ऑफ अ गेम, ये होनी होनी है आपको। जहाँ आपने थोड़ी सी गलती करी वहाँ आपको इंजरी हुई, तो मैं आपके सामने आज ये पेश करना चाहूँगा जी, बिकॉज मुझे बहुत जरूरी लगती है बताना कि इंजरी इस गेम का बहुत बड़ा पार्ट है। अब देखा जाए कि लोगों को इंजरीज होती कैसे हैं, लोगों को इंजरीज होती है अपनी लापरवाही करके। तो वो ऐसा है कि जब आप कभी बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर रहे होते हैं, बेसिकली मैं बात करता हूँ पावर लिफ्टर की या फिर बॉडी बिल्डर की, जब वो बॉडी बिल्डर जब गेनिंग अपने शेड्यूल में होता है या पावर लिफ्टर जो हैं वो इतना का वेट पुश कर रहे होते हैं कि इंजरी कब होती है, जब उनका मसल उस वेट को कैरी नहीं कर पाता, तो इंजरी उन्हें होनी है और विद इन 2 सेकंड्स होती है इंजरी, उनको पता भी नहीं चलता भी उनके साथ हुआ क्या। तो बेसिकली मैं इन पर बात करना चाहूँगा, और बाकी चीज़ों को ले लीजिए अगर कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उनमें भी इंजरी होनी लाजमी है आपको। तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रेचिंग इज़ अ मेन पार्ट। स्ट्रेचिंग करनी बहुत ज़रूरी है जब आप एक्सरसाइज करने आए हैं। आने से पहले 5-7 मिनट आप 10 मिनट जो है अपना स्ट्रेचिंग कीजिए मसल्स की, अपने हाथों पैरों को खोलिए, स्ट्रेच करिए, जो भी आपको आपके ट्रेनर बताते हैं वो करें, और एक्सरसाइज के बाद भी आप उस चीज़ को स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली और आज इंजरी से क्योरेशन के लिए आप खुद कैसे उसको क्योर कर सकते हैं या फिर उससे उभर के कैसे वापस आ जाए, बिकॉज जब एक इंजरी हो जाती है एक स्पोर्ट्समैन का मोरल बहुत डाउन हो जाता है। उस मोरल को जो आपने जो डाउन हो गया उसको वापस बैकअप करने के लिए नहीं है, बहुत मुश्किल है उसको करना, क्योंकि एक तो आप जब एक बिल्कुल पीक पे होते हैं ना तब आपको इंजरी होती है भी, जब आप बिल्कुल पीक पे हैं और आप बिल्कुल मतलब ऑन द टॉप है अपने लेवल पे अपने टारगेट पे तभी आपको इंजरी होगी। उसके बाद आपको मोरल इतना का डाउन हो जाता है कि आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कम बैक नहीं कर पाऊँगा, मैं इस पहाड़ी से गिर गया, मेरा टूट गया पैर, मैं नहीं चढ़ सकता इसके ऊपर। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मैं अपना ही दूंगा, मैं आपके सामने बैठा हूं, आपके सामने आपका शुभचिंतक आपके सामने इतनी वीडियोज़ लेके आता है, तो मेरी भी इंजरियाँ हुई हैं, तो ही मैं आज आपके सामने टॉपिक भी लेके आया हूँ। तो मेरे ट्राइसेप टेंडन की इंजरी हुई थी, तो आप ये देख सकते हैं, ये देखिए जैसे ट्राइसेप्स का है, ये देखिए मेरा सारा ऑपरेट हो रखा है यहाँ से। सो ट्राइसेप टेंडन मेरे इंजरी हुई थी, तो जब मेरे इंजरी हुई मेरा एक मूवी का शूट चल रहा था बेसिकली उस टाइम, तो मेरे हुई इंजरी तो थोड़ी सी स्वेलिंग हुई, तो मेरे को लगा भी चल ऐसी ही है, तो बॉडी बिल्डर ऐसे होते हैं धक्के है, कहीं नहीं हो गया कहीं नहीं चलो। तो मैंने कोई ऐसा गौर नहीं किया इसके ऊपर भी, चल थोड़ी सी स्वेलिंग है, अवॉल नहीं लगाई, पट्टी बांध ली, जो अपने देसी नुस्खे हैं वो अपनाए, घर चले गए। तो 4-5 महीने में एक्सरसाइज करता रहा, तो मुझे पेन होनी शुरू रही उससे भी, मैं तो पता नहीं क्या होगा। तो उसके बाद मैंने इसका MRI करवाया, MRI के अंदर मुझे पता चला भी इसके टेंडन टूट गए हैं। अब टेंडन टूट गए तो उसका इलाज कोई नहीं है, मसल खिसक चुका था पीछे, तो मैंने उसका ऑपरेट कराया, इसका ऑपरेशन हुआ मेरा। ऑपरेशन के बाद मेरे डॉक्टर से जब बात हो रही थी ऑपरेट करते हुए, तो आप देखेंगे कि मैं टैटू फ्रीक हूँ बहुत ज़्यादा, मेरे टैटू बना हुए गुलाम। तो मैंने डॉक्टर को बोला मैं वो ऑपरेट में तब कराऊंगा जब मेरा टैटू नहीं ख़राब होगा, कहीं आप मेरे आगे कट मार दो मेरा टैटू ख़राब हो जाए। तो उसने बड़े स्कीम से उसने मेरे से बात की, डॉक्टर मेरे को समझ गया भी ये बंदा बहुत फ्रीक है, इसको अगर मैंने सर्जरी के बाद भी ऐसे छोड़ दिया तो ये तो जिम भाग जाएगा अगले दिन ही। तो उसने सर्जरी की, मेरी सर्जरी करने में मेरा प्लास्टर लगा दिया इतना बड़ा, तो 1.5 महीने तक मेरे प्लास्टर लगा रहा। तो जब वो प्लास्टर उतरा तो मेरी बाजू बहुत वीक हो चुकी थी, बिकॉज वो लटकी रहती थी सारा दिन, ना उसने मूव करना ना कुछ, बिल्कुल सीधी थी ऐसे, बिकॉज टांके जो थे मेरे बिल्कुल पॉइंटर तक थे एल्बो के। तो मेरे को बड़ी, जब वो प्लास्टर खुला तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक आर्म तो यार 19 इंच की है और एक बेचारी 16 इंच की रहेगी, 3-4 इंच का फ़र्क पड़ गया उसमें 3-1 इंच का। तो मैं बड़ा परेशान हुआ देख के कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो अब वो इतनी की वीक थी तो मेरा हाथ बिल्कुल सीधा रहता था ऐसे, तो ये बेसिकली इससे ज़्यादा मुड़ता ही, इससे ऊपर नहीं आता था। जैसे आज ये चल रहा है आपके सामने देखो, पूरा मूव कर रहा है, मैं एक्सरसाइज भी करता हूँ, वेल डेवलप है, मैंने दोबारा डेवलप कर लिया इसे। तो
तब ये बिल्कुल ऐसे भी नहीं मुड़ता था और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपने फिजियोथेरेपी करानी है। तो मेरे को ऐसा लगा अभी यार कि इतने साल हो गए यार हमें करते हुए, तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि यार हमें कुछ नहीं पता। तो मैंने कोई फिजियोथेरेपी नहीं कराई, मैंने इसको खुद चलाया अपने आप। तो मैं जब खाना खाता था तो मैं अपने हाथ को पुश करता था, इसी हाथ से मैंने खाना खाना। अभी पेन मेरे बहुत होती थी, बिल्कुल खिंचता था क्योंकि उन्होंने इतना टाइट सिला हुआ अंदर से। तो मैं इसको खुद चलाया अपने आप, इतनी पेन होनी, खुद इसकी स्ट्रेचिंग करनी पकड़ के, सब कुछ करना इसका डेली भी। मेरा हाथ यार किसी तरह चल पड़े और मैं किसी तरह कम बैक कर लूँ, तो मुझे 2 से 3 महीने लगे। तो हाँ कभी होता था, अभी रोना भी निकल जाता था, बिकॉज इतनी पेन थी कि बेयर भी नहीं कर सकते आप इतनी पेन, बिकॉज ये तो रब की देना है कि स्पोर्ट्समैनों का कीड़ा डाला हुआ उन्होंने जो हटते नहीं है, नहीं तो किसी नॉर्मल बंदे की इंजरी हो जाए तो जिम के दर्शन ना करें दोबारा। तो करते करते 3-4 महीने हुए, बाजू चलने लगी, तो मैं जिम पहुंचा। अब जिम पहुंचे तो अब वहाँ पे तो लोग हमें बीस्ट कहते हैं, तो अब जब वेट लगाने की बारी आई तो वेट उठाया तो वेट उठे ना, कॉज वीक इतनी थी बाजू। अब एक हाथ से तो लग रहा था, दूसरे से 2.5 किलो भी नहीं लगता था। धीरे 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 माइंड को स्ट्रॉन्ग किया अपने, मी वी दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, तू हारेगा नहीं, लगे रहे करते 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 6 महीने हुए, बाजू बिल्कुल ठीक हुई, वेट लगाना शुरू किया हल्का हल्का। तो मैं डॉक्टर के पास गया, 6 महीने बाद मेरा चेकअप होता था, उसने मुझे बोला अभी तूने अभी 1 साल एक्सरसाइज नहीं करनी। तो डॉक्टर ने मुझे डरा दिया, यार तू तो एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैं कहा यार ये क्या हो गया, मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता। मैं घर आया तो मैं बहुत सोचा मैंने। तो फिर मैं आज आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो आदमी का माइंड है ना, वो सबसे बड़ा हथियार है उसका। अगर आपने इससे सोच लिया ना कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते, आप जितना मर्जी जोर लगा लेना। जब आपका माइंड स्ट्रॉन्ग है ना, जब आपने सोच लिया अभी आप कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। सो मैंने किया, मैंने कंपटीशन की तैयारी की, मैं उसी साल मिस्टर हरियाणा ओवरऑल चैंपियन भी बना, चंडीगढ़ भी मैंने गोल्ड मेडल जीते, पंचकूला भी मेरा गोल्ड मेडल आया। तो 1 साल बाद जब मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया तो मैं उसके सामने खड़ा हुआ था, तो मैं बिल्कुल फिट था, मेरे ऐप्स निकले हुए प्रॉपर, कॉम्पिटिशन की जैसी प्रैप होती है। तो मैं उसके सामने खड़ा, मुझे कहता यार तुम तो पागल हो, कहता मैंने तुझे मना किया था, कहता तू सारा कॉम्पिटिशन खेल के आ गया। तो ये बड़ी फनी सी चीज़ हो गई थी उस टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इंजरी इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, इंजरी हो जाती है, बट ये कि उसको जो क्योरेंस है वो आप खुद भी कर सकते हैं। जो आपका माइंड है ना, वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आप उसको नहीं ना यूज़ करना जानते तो आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। तो वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, जो आपका माइंड है वो आपका सबसे वैल्यूएबल हथियार, आपका वो आपका बजूका है एक तरह का, भी कहीं कुछ नहीं ना चल रहा था वो मार सकते हो। थैंक यू सो मच, ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया और मैंने अपनी कहानी आपके सामने रखी रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट के बिहाफ से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को, नीचे लिंक है। सो थैंक यू सो मच।